दोस्तों, क्या ट्रेन के लोको पायलट को भी बनवाना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस? और आखिर जापान में कब्रों पर क्यों लगा है QR कोड? और एक ऐसा इंसान जिसे सऊदी अरब देश से आखिर क्यों निकाल दिया गया, यह जानने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहें। फैक्ट नंबर वन। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि किसी बाइक या फिर कार को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या किसी ट्रेन को चलाने के लिए उसके लोको पायलट को भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? तो आपको बता दे कि ट्रेन के लोको पायलट को लाइसेंस की नहीं बल्कि कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जो कि किसी रेलवे इंजीनियर के द्वारा लोको पायलट को दिया जाता है। दोस्तों, लोको पायलट को ट्रेन चलाने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पायलट को ट्रेन के इंजन और कोच के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फैक्ट नंबर टू। दोस्तों, जापान अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट व टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अब जापान ने ऐसा कर दिया जिससे सब चौंक गए। जी हाँ दोस्तों, जापान देश में अब कब्रों पर भी QR कोड लगा दिए गए हैं, जिससे कोई भी इन QR कोड को स्कैन करके मरे हुए व्यक्ति के बारे में दी गई सारी जानकारी जान सकता है। दोस्तों, क्या ऐसा करना सही है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फैक्ट नंबर थ्री। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई खूबसूरत इंसान हैं जिसके कारण वो दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि सऊदी अरब के रहने वाले एक लड़के के लिए खूबसूरत होना गुनाह साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, उमर बोरकान अल गाला नाम के इस व्यक्ति को उनके देश सऊदी अरब से निकाल दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब के प्रशासन का मानना था कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है और इनकी खूबसूरती देखकर महिलाओं का दिल मचल सकता है। दोस्तों, क्या खूबसूरत होने के कारण देश से निकालना सही है या गलत है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।